नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम यानी CHO एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का कलेक्शन लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में बताए गए डिस्कस करे गए सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम्स 2020। लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम शॉर्ट में JSY के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष लॉन्च हुई थी। आपके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2007 में। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल वर्ष 2005 को लॉन्च की गई थी, 12 अप्रैल इन 2005। आइए जान लेते हैं JSY योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो JSY जननी सुरक्षा योजना है वो NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है और यह 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इस योजना का जो भी खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उठाया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इंस्टीट्यूट में यानी हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज को प्रमोट कराना, और इस योजना के अंतर्गत डिलीवरी के बाद और पोस्ट डिलीवरी कुछ कैश असिस्टेंस दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है, जिसके द्वारा अपने शिशु की अच्छी देखरेख की जा सके। क्वेश्चन नंबर टू, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG किस वर्ष लॉन्च किए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सितंबर 2000 में या फिर अगस्त 2000 में। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे वर्ष 2000 में सितंबर मंथ में लॉन्च किए गए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो बनाए गए थे उनका मुख्य लक्ष्य था कि वर्ष 2015 तक उन्हें 8 इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव करना है। उनका टारगेट था पॉवर्टी एंड हंगर, मैटरनल डेथ, एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ऐसे मुद्दों पर इंप्रूवमेंट लाना। क्वेश्चन नंबर थ्री है पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एंटीजन्स एक्सेप्ट। नीचे बताए गए सभी एंटीजन्स पेंटावेलेंट में पाए जाते हैं एक को छोड़कर। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्टुसिस, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, जैसा कि इसके नाम में ही है पेंटावर्ड, ये 5 डिजीज से बचाव के लिए बनाया गया है। इसमें कौन कौन से 5 एंटीजन होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी, ये हमें 5 डिजीजेस से प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर कौन हैं। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर रघु शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर अखिल शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर रघु शर्मा। डॉक्टर रघु शर्मा वर्तमान राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी से, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड, स्किन की जो लेयर सबसे बाहरी मानी जाती है, जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे एक्चुअली आप कहते क्या हैं। ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस या फिर ऑप्शन डी मसल लेयर। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एपिडर्मिस।
हमारे स्किन की जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इस लेयर को हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, यह हमें वाटरप्रूफ कवरिंग देती है, यह हमें बाहरी एटमॉस्फेयर से आने वाले हानिकारक पैथोजेंस डायरेक्टली हमारी बॉडी में ना चले जाए इससे भी प्रोटेक्शन देती है। एक तरह से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी बॉडी की। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है उसे हम कहते हैं डर्मिस लेयर। ये सेकेंड लेयर होती है और इसे हम अगर तीनों लेयर की तुलना की जाए तो ये तीनों लेयर्स के बीच में पाई जाती है, बीच वाली लेयर होती है। लास्ट जो इनर लेयर होती है उसे हम सबक्यूटेनियस लेयर या फिर सबक्यूटेनियस फैट या फिर हम उसे हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू टाइप कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है कनेक्टिव टिश्यू या फिर ऑप्शन बी है मसल्स टिश्यू। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय साइनस, साइनस वर्ड का मतलब क्या होता है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्पेस बिटवीन टू बोन्स, दो हड्डियों के बीच की जगह। ऑप्शन बी है कैविटीज ऑफ बोन, बोन्स के अंदर पाए जाने वाली कैविटीज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। बोन्स के अंदर जो कैविटीज पाई जाती हैं उसे हम साइनस के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो मैक्सिलरी साइनस फाउंड इन ईच चीक बोन, जो हमारी चीक बोन्स होती हैं इसके अंदर मैक्सिलरी साइनस का पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड इज टेकिंग प्लेस बाय, हमारे फेफड़ों में जो एल्विलाई पाई जाती है, छोटी छोटी गुपिकाएं होती हैं, उनके अंदर से गैस का ऑक्सीजन का एक्सचेंज ब्लड में किस प्रोसेस के द्वारा होता है? आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए डिफ्यूजन। हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वह फेफड़ों में आने वाले ब्लड के साथ जब एक्सचेंज होती है तो वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस काम करता है। इसे आप समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने किसी कमरे कहीं पर अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है उसमें खुशबू होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। जैसे कि हम फेफड़ों में सांस जब लेते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का एयर का मूव होना डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। जैसे ही वो अगरबत्ती जलेगी उसका जो धुआं है खुशबू वाला धुआं है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा और पूरी कमरे में वह खुशबू हो जाएगी। एक चीज इसमें बताने वाली है कि डिफ्यूजन प्रोसेस जनरली गैस सब्सटेंसेस के लिए होता है और ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। जर्म थ्योरी गिवन बाय, जर्म थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी? इसका सही जवाब है जर्म थ्योरी लुईस पाश्चर द्वारा दी गई थी। अब जानते हैं जर्म थ्योरी होता क्या है। लुईस पाश्चर ने यह बताया था कि कुछ ऐसी डिजीज कंडीशंस होती हैं जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से यानी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में मौजूद रहते हैं और इन्हें जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, मौका मिलते हैं, वो हमारे शरीर में इन्वेड कर जाते हैं और डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। सैमुअल हैनमैन फाउंडिंग फादर ऑफ, सैमुअल हैनमैन को किसका फाउंडिंग फाउंडिंग फादर कहा जाता है? सही जवाब है होम्योपैथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है। बार बार न्यूज में आपने सुना होगा आयुष मंत्रालय ने ये किया, ये स्कीम लॉन्च की। यहां पर आयुष वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा,
योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एवरीवन, वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो रही है, काफी सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, तो जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत है हम वहीं पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे। अदरवाइज इस वीडियो का मेन पर्पस है आपके लिए क्विक रिवीजन। सो हम अब तेजी से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ICDH किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इस क्वेश्चन का सही जवाब है इन द ईयर 1975, 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 दिसंबर को। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में एड्स डिजीज के प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों को एड्स से एड्स पेशेंट्स के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंच फीवर लूज बोन डिजीज। ट्रेंच फीवर जो डिजीज कंडीशन होती है वो लूज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जंक्शन बिटवीन टू बोन्स और कार्टिलेज नोन एज, दो हड्डियों के बीच का स्थान, जंक्शन जहां पर दो हड्डियां जुड़ रही हैं या दो कार्टिलेज जहां पर जुड़ रहे हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स को। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम में एपिडेमियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपिडेमियोलॉजिकल क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने एक बुक लिखी थी एयर वाटर एंड प्लेसेस, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? सही जवाब है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशियो हम क्यों चेक करते हैं? इस सवाल का सही जवाब है टू असेस द लंग्स मैच्योरिटी, फेफड़े पूरी तरह से मैच्योर हैं या नहीं इस चीज को पता लगाने के लिए लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों के अंदर फेफड़े इमैच्योर होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, उन बच्चों में इसका रेशो गड़बड़ होता है और फिर उनके लंग्स को मैच्योर करने के लिए हम डेक्सामेथासोन आदि ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, न्यूबॉर्न बेबीज फर्स्ट एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जब न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तो सबसे पहले फर्स्ट एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कि वो सांस को इनहेल करता है या एक्सहेल करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है इंस्पायरेशन। फर्स्ट एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है इंस्पायरेशन, बेबी जन्म के समय, जन्म के बाद सबसे पहले इनहेल करेगा, सांस लेगा, अंदर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, किसी व्यक्ति के शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडीज का एडमिनिस्ट्रेशन करवाना किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? सही जवाब है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथेरेकोसिस इज कॉज्ड बाय द, एंथेरेकोसिस नाम की जो बीमारी है, डिजीज है, ये किसके कारण से होती है? सही जवाब है कोल पार्टिकल्स इनहेलेशन के कारण। कोल यानी कोयला, कोयले के कणों का सांस के द्वारा शरीर में पहुंचने के कारण जो डिजीज कंडीशन डेवलप होती है उसे हम एंथेरेकोसिस कहते हैं।
एंथ्रेकोसिस डिजीज ऑक्यूपेशनल डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मिशन इंद्रधनुष द्वारा उन बच्चों को टारगेट किया गया था जो कि इम्यूनाइजेशन के दौरान छूट गए थे। ऐसे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर उन्हें इम्यूनाइजेशन कंप्लीटली मिल नहीं पाया, उन बच्चों को टारगेट करना और उन्हें कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना इस मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो LBW लो बर्थ वेट बेबीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है? सही जवाब है, ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन 2.5 केजी यानी 2500 ग्राम से कम हो, लो बर्थ वेट बेबीज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? सही जवाब है 7.35 टू 7.45। हमारा ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा होता है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब है ऐसे वैक्सीन जिन्हें एक मिनिमम लोअर टेम्परेचर पर स्टोर करना आवश्यक होता है। यदि उन्हें उस टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा हीट दी जाए, गर्मी मिले, तो वो वैक्सीन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पोलियो के अंदर कभी ड्यूटी की होगी तो आपने देखा होगा, आपको जो भी पोलियो वैक्सीन्स हैं उन्हें रखने के लिए एक कंटेनर्स दिए जाते थे जिसके अंदर काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता था। उन वैक्सीन्स पर हमें एक तरह का मॉनिटर लगाया हुआ मिलता था जिसे हम VVM या वैक्सीन वाइल मॉनिटर के नाम से जानते हैं, और हमें ड्यूटी के दौरान ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आप उस वाइल को देखें, उस VVM को देखते रहें, यदि इसका कलर बदल जाता है तो फिर इस वैक्सीन की डोज बच्चों को ना पिलाएं। तो फ्रेंड्स, यही हम कहना चाहते हैं कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन को कहा जाता है, क्योंकि यदि इसे थोड़ा सा भी ज्यादा तापमान मिल जाए तो यह वैक्सीन खराब हो सकता है। आप इस एग्जांपल से इसे अब याद रख पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाहूं, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये लाइफ टाइप का वैक्सीन होता है और इसकी खोज सेबिन द्वारा की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? सही जवाब है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसे हम फेरेनहाइट स्केल में बोलें तो 98.6 डिग्री फेरेनहाइट। एग्जामिनर आपको कोई भी स्केल दे सकता है, चाहे वो सेंटीग्रेड पूछे तो आपको 37 डिग्री बताना है, फेरेनहाइट स्केल में पूछे तो 98.6 बताना है। उसके अलावा दो टर्म टेम्परेचर वाइटल साइन से और इंपॉर्टेंट बनती हैं, जो है हाइपोथर्मिया में पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। इस कंडीशन में जो पर्सन का बॉडी टेम्परेचर है 97.5 डिग्री फेरेनहाइट से कम हो जाता है। यदि पर्सन का, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 97.5 डिग्री फेरेनहाइट से कम हो जाए तो इस कंडीशन को आप हाइपोथर्मिया कहेंगे, और यदि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 99.5 डिग्री फेरेनहाइट से बढ़ जाए तो आप इस कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन्स इन फैलोपियन ट्यूब फॉर? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम कितने समय तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है? सही जवाब है 72 घंटे तक, 72 आवर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ इंडियन सर्जरी? भारतीय सर्जरी का जनक या भारतीय सर्जरी का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब है सुश्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय? इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? सही जवाब है पैंक्रियास की बीटा सेल्स द्वारा। पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और इंसुलिन द्वारा ही हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय?
हमारे शरीर का तापमान किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब किया गया? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का प्रथम राउंड कब किया गया? इसका सही आंसर है दिसंबर 1995। क्वेश्चन नंबर 33, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट MMR मेजर्ड एज पर मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को हम कितनी लाइव बर्ड्स पर मेजर करते हैं? इसका सही जवाब है 1,00,000 लाइव बर्ड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम इक्वल एट व्हाट एज? न्यूबॉर्न बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस किस उम्र पर बराबर हो जाते हैं? हेड सर्कमफ्रेंस का मतलब है सर को चारों तरफ से नापा जाए और चेस्ट सर्कमफ्रेंस का मतलब है चेस्ट को चारों तरफ से मापा जाए। तो इन दोनों का जो माप है, मेजरमेंट है, वो किस एज में इक्वल हो जाता है? इसका सही जवाब है 1 साल की उम्र में न्यूबॉर्न बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाते हैं और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 45 सेंटीमीटर। यहां पर एक क्वेश्चन और इसी के साथ जुड़ा हुआ क्लियर होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी लंबाई भी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMNCH+A का फुल फॉर्म क्या होता है? RMNCH+A इसका फुल फॉर्म है R फॉर रिप्रोडक्टिव, M फॉर मैटरनल, N फॉर न्यूबॉर्न, C फॉर चाइल्ड, A फॉर एडोलेसेंट एंड H फॉर हेल्थ। अगर इसे एक साथ बोला जाए तो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलेसेंट, हेल्थ। नाउ फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे RCH प्रोग्राम की। जो RCH प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ये अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया गया था, या यूं कहें कि अक्टूबर 1997 में इसकी फर्स्ट फेज लॉन्च की गई थी। उसके बाद अप्रैल 2005 में इसी RCH प्रोग्राम का नाम बदला गया और सेकंड फेज को लॉन्च किया गया। अब ये RCH प्रोग्राम RMCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाने लगा। इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। और यहां पर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, यहां पे सिर्फ चाइल्ड हेल्थ पर फोकस कर रहा था ये प्रोग्राम, यहां पर मैटरनल हेल्थ पर भी ये प्रोग्राम फोकस करने के लिए तैयार किया गया। उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम एक बार फिर से बदला गया और इसका नाम रखा गया RMNCH+A, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय, पोलियो का जो ट्रांसमिशन है वो किस रूट से होता है? इसका आंसर है फीको ओरल रूट द्वारा। फीको ओरल रूट का मतलब है कंटेमिनेटेड और फूड के कारण पोलियो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। पोलियो डिजीज का जो वायरस है वो हमारे स्टूल या फीसिस में पाया जाता है। अगर आपको पोलियो का अर्ली डायग्नोसिस करना है तो आपको पेशेंट की फीसिस की जांच का कल्चर करवाना चाहिए। नेक्स्ट है मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, चिकन पॉक्स, ये तीनों डिजीज किस रूट द्वारा फैलते हैं? सही आंसर है ये तीनों डिजीज एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलते हैं। एयर ड्रॉपलेट्स का प्रोडक्शन जब पर्सन बात करता है या फिर छींकता है या खांसता है तो उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन के की डोज प्रीटर्म और टर्म बेबीज में कितनी कितनी होती है? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, करीबन 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के कारण निर्मित होते हैं और विटामिन के की कमी के कारण फीटस में ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लड बह सकता है, इस कारण से उसे विटामिन के लगाया जाता है। विटामिन के प्रीटर्म में 0.5 mg दिया जाता है जबकि टर्म बेबीज में 1 mg एडमिनिस्टर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन। मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है टिटनेस टॉक्सॉइड, जिसे हम शॉर्ट में टीटी वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, किस डिजीज को हम सोशल वेलफेयर का बैरोमीटर कहते हैं? सही जवाब है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी को। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ ऑल सोसाइटीज, सभी सोसाइटियों की बेसिक यूनिट किसे माना जाता है? सही आंसर है फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सही जवाब है इंटरस्टीशियल पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर या 1 mm की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, भारत में पहली सेंसस यानी जनगणना कब हुई थी? 1881 में, इन द ईयर 1881 में फर्स्ट सेंसस या जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, ईसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीपी का फुल फॉर्म है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इस वैक्सीन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? सही जवाब है एडवर्ड जैनर को। एडवर्ड जैनर वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला वैक्सीन 1796 में, इन द ईयर 1796 में खोजा था, और इस वैक्सीन का नाम है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसी के साथ एडवर्ड जैनर ने वैक्सीनेशन टर्म का उपयोग सबसे पहले किया था। तो इसी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस कवर करता है ये पॉइंट, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, स्मॉल पॉक्स ऐसी डिजीज है जो कि इरेडिकेटेड हो चुकी है, पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड होने वाली पहली डिजीज है। तो याद रखने का तरीका है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सबसे पहले खोजा गया था 1796 में, एडवर्ड जैनर ने इसकी खोज की थी, और इसी वैक्सीन के कारण स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है पूरी दुनिया में सबसे पहले इरेडिकेटेड होने वाली डिजीज बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर कमिटी, बोर कमिटी कब बनी? बोर कमिटी का निर्माण 1943 में हुआ था, और बोर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 1946 में, इन द ईयर 1946 में सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्सेस डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है, और इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे भी है, या यूं हम कह सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे को हम एज अ इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका जन्म इटली में हुआ था, ये पायोनियरिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहलाती हैं। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक या खोजकर्ता कहा जाता है। इन्हें क्रीमियन वॉर में सोल्जर्स की सेवा करने के कारण लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्रीमियन वॉर के दौरान हॉस्पिटल में वह सभी सोल्जर्स का ख्याल रखती थी, उनके घरों में लेटर्स लिखती थी, और इस प्रोसेस के दौरान रात को वो लालटेन लेकर घूमती थी। इसी कारण से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी एनर्जी देता है? 1 ग्राम प्रोटीन का जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है या फिर यूज होता है, तो इसके कारण 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। यही काम कार्बोहाइड्रेट के केस में 4 कैलोरी, और सबसे ज्यादा फैट के ऑक्सीडेशन से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड आफ्टर हाउ मच टाइम, जन्म के कितने समय बाद न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ को अपने बच्चे को जन्म के कितने समय बाद स्तनपान या दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए? सही आंसर है यदि बेबी में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो जितना जल्दी हो सके मदर को बेबी को अपना दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे शरीर में नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? इसका सही जवाब है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। एक एवरेज माना जा रहा है कि 60 से 100 के बीच अगर किसी पर्सन की हार्ट रेट है या पल्स रेट है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। वैसे एग्जैक्टली 72 बीट्स पर मिनट माना जाता है। यदि किसी पर्सन में हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहेंगे, और यदि किसी पर्सन में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो इस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चन गाइस। मुदेलियर कमिटी के चेयरमैन कौन थे? मुदेलियर कमिटी के चेयरमैन थे A.L. मुदेलियर। मुदेलियर कमिटी 1962 में बनी थी। इस कमिटी को हम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल किस वर्ष एस्टेब्लिश हुआ था? इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है इन 1949 में बाय इंडियन नर्सिंग एक्ट 1947। 1947 में बने इंडियन नर्सिंग एक्ट के सहायता से वर्ष 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई थी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर वर्तमान में न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी और ऑटो इम्यूनिटी, ये दोनों टर्म्स किसके द्वारा यूज की गई थी सबसे पहले? सही जवाब है पॉल एनरिच। इनके द्वारा ऑटो इम्यूनिटी और कीमोथेरेपी टर्म दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंसर्ट करते समय हमें कितने डिग्री एंगल को बनाना चाहिए? सही जवाब 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को हमें 90 डिग्री एंगल से एडमिनिस्टर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है डिस्टेंट विजन के असेसमेंट के लिए हम किस स्केल की सहायता लेते हैं? डिस्टेंट विजन इज असेस्ड बाय विच स्केल? सही जवाब है सेनाइल स्केल। सेनाइल स्केल की सहायता से हम डिस्टेंट विजन यानी दूर के विजन को चेक करते हैं। नॉर्मल डिस्टेंट विजन होता है 6x6। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स प्रेशर को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? यदि हम सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को घटा दें तो हमारा नॉर्मल पल्स प्रेशर आ जाएगा। पल्स प्रेशर में जो दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू है वो आप कहां से लेंगे? सिस्टोलिक वैल्यू को हम अपर बीपी कहते हैं जो कि नॉर्मली 120 मानी जाती है, और डायस्टोलिक प्रेशर लोअर बीपी होता है जो कि 80 mmHg माना जाता है। तो हम ऐसा करें कि 120 में से 80 को घटा दें तो आंसर आएगा 40। तो हमारा नॉर्मल पल्स प्रेशर होगा 40 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, किस डिजीज को हम 3-day डिजीज के नाम से जानते हैं? सही जवाब है रूबेला। रूबेला डिजीज को हम 3-day डिजीज के नाम से जानते हैं। इसे हम जर्मन मीजल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एफिकेसी वैक्सीन कौन सा होता है? सही जवाब है मीजल्स। एफिकेसी का मतलब है लंबे समय तक प्रोटेक्शन देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है AWC का फुल फॉर्म क्या है? AWC का फुल फॉर्म है आंगनवाड़ी सेंटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज निडेशन? निडेशन क्या है? निडेशन को हम साधारणतया इम्प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। फीमेल्स का जो एग होता है मेल के स्पर्म के साथ जुड़ता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को हम जायगोट के नाम से जानते हैं। अब ये जायगोट फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन बाद पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की फंडस की पोस्टीरियर वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर वहीं पर आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में 6 दिन पे ये प्रोसेस शुरू होता है और करीबन 11वें दिन ये कंप्लीट होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम निडेशन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन,
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP वॉज लॉन्च इन द ईयर 1985, 1985 में यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन सप्ताह कब मनाया जाता है? सही जवाब है अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष एस्टैब्लिश हुआ था? सही जवाब है 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल इन द ईयर 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 63, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बर्न टॉपिक। बर्न का वह प्रकार जो कि बहुत पेनफुल होता है। सही जवाब है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री टाइप के जो बर्न होते हैं वो काफी पेनफुल होते हैं। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, इस प्रकार के बर्न पेनलेस होते हैं। इसका कारण भी जान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिग्री टाइप के बर्न में जो हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं उनकी नर्व एंडिंग्स ओपन हो जाती हैं। इसके कारण पेशेंट को इस प्रकार के बर्न में बहुत ही ज्यादा पेन होता है। लेकिन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं लगभग डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। इसके कारण पेशेंट को पेन सेंसेशन नहीं होता। इसीलिए थर्ड और फोर्थ डिग्री के बर्न को हम पेनलेस टाइप ऑफ बर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन भी है। हार्मोन सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड आर T3, T4 एंड कैल्सिटोलिन। थायराइड ग्लैंड तीन हार्मोन सिक्रीट करती है, T3, T4 और कैल्सिटोलिन। T3 हार्मोन को हम ट्राइआइडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं, T4 हार्मोन को हम टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं, और कैल्सिटोलिन तीसरा हार्मोन है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 है, पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? पैराथायरॉइड हार्मोन के द्वारा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है जिसे हम PTH के नाम से जानते हैं, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पैराथार्मोन भी कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 66, मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट? सही जवाब है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल्स, और वी कैन आस्क इट एज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसे कंट्री जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं जैसे कि भारत, इन कंट्रीज में फीमेल्स में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ऐसे देश जो कि डेवलप हो चुके हैं उन देशों की फीमेल्स में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है? मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर टाइप फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस। इसका आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर। जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि भारत, उन सभी जगहों पर फीमेल्स में सर्वाइकल एरिया में कैंसर पाया जाएगा और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर टाइप होगा। और वो कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुके हैं जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऐसे कंट्रीज जो डेवलप हो चुके हैं उन कंट्रीज की फीमेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर का टाइप है ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, कॉपलिक स्पॉट्स या कॉपलिक साइन कौन से डिजीज में देखने को मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द CHO एग्जामिनेशन 2020। कॉपलिक स्पॉट्स या कॉपलिक साइंस आपको मीजल्स डिजीज में देखने को मिलेंगे। मीजल्स डिजीज के अंदर क्या होता है कि पर्सन का जो बकल कैविटी होती है, माउथ होता है, उसका जो बकल एरिया होता है वहां पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स या क्रस्ट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, इसे हम कॉपलिक स्पॉट्स या कॉपलिक साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल असेस्ड बाय।
लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को हम किस मेथड द्वारा बेस्ट तरीके से असेस कर सकते हैं, उसके लिए हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्लड ग्रुपिंग इन्वेंटेड बाय, सबसे पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया या खोजा गया था? इसका आंसर है कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया था। इसी से जुड़े दो क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैक्सीन दैट गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, उस वैक्सीन का नाम बताइए जो कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। इसका आंसर है मम्स के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उससे पर्सन को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 72 इज NYKS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का जो एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट इस बात पर गौर करें, इस एग्जाम में तीन मेन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट पर अपनी कमांड कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले आप कमांड करिए कम्युनिटी सब्जेक्ट पर, सेकंड नंबर पर आप कमांड करिए OBG पर, और लास्ट में आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और चाहे तो एक सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पर कमांड कर सकते हैं। इन चार सब्जेक्ट पर आप विशेष फोकस करें, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। इसके साथ साथ CHO के जो एग्जाम्स होते हैं, पिछले जितने भी स्टेट के CHO एग्जाम्स होते हैं उन सभी के पेपर को एनालिसिस करने पर यह देखा गया है कि CHO एग्जाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के पेपर नहीं आता, ज्यादा लेंथी पेपर भी नहीं होता, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो कट ऑफ होती है जैसे जैसे नर्सिंग के कंपिटेटिव एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे CHO एग्जाम की जो कट ऑफ है वो भी बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपके इस एग्जाम का पेपर तो अच्छा होगा, लेवल भी अच्छा होगा, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाएगी, तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 73, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 24 आवर्स, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म 72 आवर्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजेकुलेशन के बाद स्पर्म 72 आवर्स तक जीवित रह सकता है, जबकि ओव्यूलेशन के बाद ओवम 24 आवर्स तक जीवित रहता है। इस दौरान यदि ओवम से स्पर्म अटैच्ड होता है तो पूरे चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और जायगोट का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, अम्बिलिकल आर्टरी का O2 सैचुरेशन कितना होता है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे बॉडी में जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अम्बिलिकल आर्टरी का जो O2 सैचुरेशन होता है वो होता है लगभग 50-60%। क्वेश्चन नंबर 75, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस IUD, इसे हम IUCD के नाम से भी जानते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जो फर्स्ट जनरेशन की IUD का एग्जाम्पल है वो है लिपेज लूप। इसी के साथ सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस का एग्जाम्पल है कॉपर T380A एंड कॉपर T375। कॉपर T380A लगभग 10 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, MTD का मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती है? सही जवाब है लेप्रोसी। लेप्रोसी डिजीज के इलाज के लिए हम मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। इसी के साथ एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, लेप्रोसी के साथ साथ MTD जो है ट्रीटमेंट थेरेपी है उसका उपयोग ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग यानी TB के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है।
लेप्रोसी डिजीज को हम हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। कुष्ठ रोग के ट्रीटमेंट के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, यदि उसे एक ही प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग दी जाएगी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया को यदि एक ही प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग से ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा कि इस प्रकार के डिजीजेस का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक यदि एक ही प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग दी जाएगी तो वह बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। अगर वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेसिस्टेंट हो गया तो फिर उसका इलाज इस ड्रग से कर पाना संभव नहीं होगा। इस चीज से बचाव हेतु उसे अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स या ड्रग दी जाती हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर एक ड्रग के लिए बैक्टीरिया रेसिस्टेंट ना हो और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ यह एक वॉलेंट्री एजेंसी है, ये किस डिजीज से संबंधित है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ भी लेप्रोसी डिजीज से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, बाइटोट स्पॉट्स आर ड्यू टू, हमारी आंख में जो हल्के भूरे रंग के निशान पड़ जाते हैं आंखों के साइड में व्हाइट स्क्लेरा पर, ये जो स्पॉट्स होते हैं इन्हें हम बाइटोट स्पॉट्स के नाम से जानते हैं, और ये कंडीशन पर्सन में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द पर्सन द बाइटोट स्पॉट्स आर डेवलप्ड, यदि पर्सन में विटामिन ए की कमी हो जाए तो बाइटोट स्पॉट्स डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, चिकन पॉक्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? चिकन पॉक्स डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 14 से 16 दिनों के बीच का होता है। सो एवरीवन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूपनिया, यूपनिया क्या है? यूपनिया का नॉर्मल मीनिंग होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। यहां पर नॉर्मल रेस्पिरेशन कब माना जाएगा? यदि पर्सन 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन कर रहा है तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल मानेंगे। यहां पर रेस्पिरेशन से संबंधित दो टर्म्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक है टैकीपनिया, एक है ब्रेडीपनिया। टैकीपनिया का मतलब होता है इफ द रेस्पिरेशन मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट द कंडीशन नोन एज टैकीपनिया। यदि पर्सन का जो रेस्पिरेशन रेट है 20 ब्रीथ्स पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम टैकीपनिया कहेंगे। इसका ऑपोजिट है ब्रेडीपनिया। ब्रेडीपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 12 ब्रीथ्स पर मिनट से कम हो जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग या एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट टर्म है डिस्पनिया। डिस्पनिया शब्द का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। यदि पर्सन को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस कंडीशन को हम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या डिस्पनिया के नाम से जानेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो, CHO रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा, किन सेल्स के द्वारा होता है? सही जवाब है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हो सकता है अपकमिंग CHO वैकेंसी एग्जाम में जरूर देखेंगे। पॉपुलेशन कवरेज बाय द डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो सब सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, ये कितनी कितनी पॉपुलेशन पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब सेंटर की। सब सेंटर हिली और ट्राइबल एरिया में यदि 3000 लोगों की आबादी है, 3000 की पॉपुलेशन है तो वहां पर एक सब सेंटर ओपन किया जाता है। यदि प्लेन एरिया की बात की जाए तो वहां पर हर 5000 की आबादी पर एक सब सेंटर ओपन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। हिली और ट्राइबल एरिया में यदि जनसंख्या 20,000 है तो वहां पर एक PHC खोला जाएगा। प्लेन एरिया की बात करें, समतल मैदानी भूभाग की बात करें तो इन एरियाज में यदि पॉपुलेशन 30,000 है, 30,000 की आबादी है
तो उन स्थानों पर एक पीएससी ओपन होगा। अब हम बात करते हैं सीएचसी की। सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में यदि हिली और ट्राइबल एरिया की बात करें तो 80,000 की आबादी पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ओपन किया जाता है, जबकि 1,20,000 की आबादी में प्लेन एरियाज में मैदानी क्षेत्रों में एक सीएचसी ओपन किया जाता है। सीएचसी की बात करें तो सीएचसी को हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सीएचसी के अंदर कई सारी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं जो कि सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अवेलेबल नहीं होती। सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यदि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो सबसे पहले उसे सीएचसी में भेजा जाता है, और सीएचसी में यदि वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता या उसको प्रॉपर सुविधा अवेलेबल नहीं है तो वो उससे हायर सेंटर्स में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? आपका सही जवाब है सितंबर 1978 में। क्वेश्चन नंबर 84 इज शॉर्टेस्ट ट्रांसफर डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटस स्कल में सबसे छोटा ट्रांसफर डायमीटर कौन सा होता है? सही जवाब है बाई मैस्ट्रॉइड। दो मैस्ट्रॉइड बोन के बीच पाया जाने वाला डायमीटर सबसे छोटा डायमीटर होता है, सबसे छोटा ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। इसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। हमारी त्वचा के कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? सही जवाब है मिलेनिन पिगमेंट। मिलेमिन वर्णक या पिगमेंट के कारण हमारी त्वचा का कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 86, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को हम और किस नाम से जानते हैं? सही जवाब है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को हम कोल्ड शॉक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, AWW का फुल फॉर्म क्या होता है? AWW स्टैंड्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर। क्वेश्चन नंबर 88, कोच डिजीज को हम और किस नाम से जानते हैं? कोच डिजीज को हम ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी डिजीज के नाम से जानते हैं, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। इट इज अ कम्युनिकेबल और कंटेजियस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 89, हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट बोन कौन सी है? इसका सही जवाब है फीमर। ये बोन हमारे थाइस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आर बॉडी, उसका नाम बताना है आपको। स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन हमारे कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आर ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेरेब्रम। हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है वो उसे हम सेरेब्रम बोलते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। क्वेश्चन नंबर 92, कॉमनेस्ट फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, बच्चों में पाए जाने वाला सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर कौन सा होता है? बच्चों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फ्रैक्चर का नाम है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, बच्चों की जो हड्डियां होती हैं गीली लकड़ी की तरह मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं है, मुड़ जाती हैं, इसीलिए हम इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या होता है कि हम ऐसी कंडीशंस की स्टडी करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में डिजीज के लिए आवश्यक है, डिजीज फैलने के लिए आवश्यक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर तीन कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट जब किसी एनवायरमेंट में उपलब्ध है तो उस जगह पे ही डिजीज फैलेगा। डिजीज कॉज करने के लिए इन तीनों का मौजूद होना आवश्यक है, इसी को हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो उससे हमको
डिजीज होगा, डिजीज स्प्रेड होगा, यही है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ओबीजी सब्जेक्ट, व्हाट इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का वेलकम साइन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लाइटनिंग को हम प्रेगनेंसी का वेलकम साइन कहते हैं। प्रीमी ग्रेविडा में यह 38 वीक्स पे होता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा में यह 36 वीक पर होता है। लाइटनिंग में क्या होता है, 38 वीक के गेस्टेशनल एज के दौरान जो मदर होती है उसकी जो फंडस हाइट होती है 36 वीक पर, वो उसके जिफॉइड प्रोसेस के पास होती है। तो उस दौरान मदर को क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है और उसे भारीपन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही मल्टी ग्रेविडा में 36 वीक्स कंप्लीट होते हैं तो बच्चे का, फीटस का जो है वो डिसेंट डाउन होने लगता है। जैसे ही बच्चा जिफॉइड प्रोसेस से हल्का नीचे की तरफ आता है तो मदर को हल्का फील होता है। इस कंडीशन को ही हम लाइटनिंग कहते हैं, इसे ही हम वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है? बैटल डोर प्लेसेंटा का मतलब है जब अम्बिलिकल कॉर्ड यदि प्लेसेंटा के मार्जिन्स पर अटैच रहे, प्लेसेंटा के सेंटर पर अटैच ना होकर उसके साइड में, पेरिफेरी एरिया में मार्जिन्स पर अटैच हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बैटल डोर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास, पैंक्रियास द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं? सबसे पहले पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। उसके बाद बात आती है ग्लूकेगॉन की, फिर है सोमेटोस्टेटिन, और लास्ट में पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIFS? WIFS का फुल फॉर्म है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 98 है प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म को हम और किस नाम से जानते हैं? प्लम्बिज्म का मतलब होता है लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, मॉन्टेक्स टेक्स्ट इज रीड आफ्टर 48 आवर्स टू 72 आवर्स बिटवीन, मॉन्टेक्स टेक्स्ट परफॉर्म करने के बाद हम इसे 48 से 72 घंटे के बीच में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, फीटल ब्लड फ्लो रेट थ्रू प्लेसेंटा इज, फीटस में प्लेसेंटा से होते हुए ब्लड फ्लो जो होता है उसकी क्या रेट होती है? द राइट आंसर 400 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 101, फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस। ओपीवी कैन बी गिवन अप टू 5 इयर्स ऑफ एज, ओरल पोलियो वैक्सीन को हम 5 साल की उम्र तक के बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमेचूरिया शब्द का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यदि किसी पर्सन के यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन के साथ ब्लड आता है, रेडिश यूरिन आता है, तो हम उस कंडीशन को हिमेचूरिया कहेंगे। हिमेचूरिया मींस प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। क्वेश्चन नंबर 103 इज, यूटीआई इज द मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इंफेक्शन कॉज्ड बाय ई कोलाई। आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन को, नोसोकोमियल इंफेक्शन क्या होता है? नोसोकोमियल इंफेक्शन एक ऐसा इंफेक्शन है जो कि पेशेंट को या पर्सन को हॉस्पिटल में जाने के बाद होता है, इसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बस यह बनता है कि सबसे कॉमनेस्ट टाइप का नोसोकोमियल इंफेक्शन कौन सा है, तो आप इसका जवाब देंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन सबसे ज्यादा होने वाला नोसोकोमियल टाइप का इंफेक्शन है। इसी का तीसरा क्वेश्चन बनता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन किसके कारण सबसे अधिक होता है, तो इसका जवाब आप देंगे ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, बगा एसोसिस किसके कारण होता है? बगा एसोसिस एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल डिजीज है,
ये सुगर कैन डस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन कॉल्ड, ऐसे बेबीज जो कि 37 वीक्स के गेस्टेशन से पहले जन्म ले लेते हैं, ऐसे बेबीज को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है प्री मैच्योर बेबीज। 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले बेबीज को हम प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। प्री मैच्योर बेबीज की केयर में हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106 है, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं यूरिन से रिलेटेड, यूरिन की क्वांटिटी से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि एन्यूरिया क्या होता है, एन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी व्यक्ति को 24 घंटे में 100 ml से कम यूरिन आए। 24 घंटे में 100 ml से कम यूरिन आने का मतलब है व्यक्ति को यूरिन लगभग ना के बराबर आ रहा है, तो इस कंडीशन को आप एन्यूरिया कहेंगे। इसे सिंपली आप एब्सेंस ऑफ यूरिनेन कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन आती है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को 24 घंटे में 2500 ml से ज्यादा यूरिन आउटपुट होता है। नॉर्मल जो यूरिन आप मानते हैं 1500 ml इन 24 आवर्स माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 2500 ml पर डे से ज्यादा अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है तो इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। थर्ड कंडीशन आती है ओलिगयूरिया। ओलिगयूरिया कंडीशन का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे में 400 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट होता है तो इस कंडीशन को हम ओलिगयूरिया कहेंगे। एन्यूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया मतलब 2500 ml से ज्यादा यूरिन, और ओलिगयूरिया का मतलब है 400 ml से कम यूरिन। यहां पर 100 ml से ज्यादा और 400 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोस्कोप क्या काम आता है? ऑटोस्कोप की सहायता से हम ईयर का विजुअलाइजेशन करते हैं। यदि कान के अंदर की स्ट्रक्चर्स को हमें देखना हो तो इस काम के लिए ऑटोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 इज, रोटा वैक्सीन किस रूट द्वारा दिया जाता है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि रोटा वायरस जो होता है बच्चों में डायरिया का एक सबसे बड़ा कॉज है। रोटा वायरस के कारण बच्चों को जनरली डायरिया कंडीशन होती है। उस वायरस से बचाव के लिए रोटा वैक्सीन दिया जाता है। इसका रूट ओरल होता है और वैक्सीनेशन के दौरान 5 ड्रॉप दी जाती है। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, उसी प्रकार रोटा वैक्सीन से वैक्सीनेशन करते समय ओरल रूट द्वारा 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 109 इज, टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? इसका जवाब है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस यानी वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 इज, ओवरीज के द्वारा, फीमेल में मौजूद ओवरीज के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन मुख्य रूप से सीक्रेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट IFA टैबलेट्स जो है हमें प्रेगनेंसी के दौरान कौन से सप्ताह से चालू करनी चाहिए? आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स हमें प्रेगनेंसी के दौरान 14 से 16 सप्ताह पर चालू करनी चाहिए। आयरन और फॉलिक एसिड की मदद से प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया कंडीशन को डेवलप होने से हम बचा सकते हैं, उसके हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, और साथ साथ फॉलिक एसिड टैबलेट्स के कारण न्यूबॉर्न बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 112, लेप्रोसी डिजीज जो है, कुष्ठ रोग जो है, वो किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? सही जवाब है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, फार्मर्स लंग डिजीज किसके कारण होता है? फार्मर लंग डिजीज एक ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ डिजीज है और यह हे ग्रेन डस्ट के द्वारा फैलता है। हे ग्रेन डस्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 114, बेसिलस कालमेटी गुवेरिन BCG वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है?
बीसीजी वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। यहां पर एटीन्यूएटेड जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को कमजोर बना देना। बीसीजी के अंदर जो स्ट्रेन्स होते हैं उसको वीक कर दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे में रोग उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ पीएच स्केल, जो पीएच हम स्केल यूज करते हैं उसकी रेंज क्या होती है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है और काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ गलती की थी। वहां पर ऑप्शन में 0 से 14 और 1 से 14 था, तो कई बच्चों ने वहां पर 1 से 14 के बीच सेलेक्ट किया था, जबकि इसमें 0 to 14 होती है इसकी रेंज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोथेरास टेस्ट टू डिटेक्ट, रोथेरास टेस्ट है वो किस चीज के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। यूरिन में मौजूद कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए रोथेरास टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। सही जवाब है स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द कंट्री, द आंसर इज अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज को हम साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द कंट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाले 2 इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में आपको बताएंगे। मान लीजिए यदि विटामिन डी की कमी बच्चों में होती है तो उनमें जो डिजीज होगा वो होगा रिकेट्स, और यदि विटामिन डी की कमी अडल्ट के अंदर होती है तो इसके कारण होगा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 120, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलाटोनिन जो पिगमेंट है जिसके कारण हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या सिक्रेट किया जाता है। इसका आंसर है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट इज पेलेग्रा, पेलेग्रा डिजीज जो होता है किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। पेलेग्रा डिजीज विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं, और पेलेग्रा डिजीज के अंदर एग्जामिनर काफी बार पूछता है कि 4D साइन आता है वो किस डिजीज से संबंधित है, तो 4D साइन आपके पेलेग्रा से संबंधित है, ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है। और 4D डिजीज साइन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। यदि किसी पर्सन को पेलेग्रा डिजीज होगा तो उसे सबसे पहले डायरिया होगा, फिर उसको डर्मेटाइटिस होगा, फिर उसकी डिमेंशिया कंडीशन होगी, फिर उसके बाद उसकी डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, हमारे शरीर में जो आयरन है किस रूप में स्टोर्ड रहता है। सही जवाब है आयरन हमारी बॉडी में फेरेटिन के रूप में स्टोर्ड रहता है। आयरन से जुड़ी एक बात और आपको बता दें, जब भी किसी पर्सन को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है तो उसके साथ विटामिन सी दिया जाता है। ये खट्टे फल में पाया जाता है मुख्य रूप से, और इसके कारण जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। यदि हम किसी पर्सन में ये देखना चाहें कि उसके बॉडी में कितना आयरन है, तो इसको बेस्ट टेस्ट करने का जो मेथड है वो है कि आप उसकी बॉडी से फेरेटिन का लेवल असेस कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट आयरन लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस्टैक्सिस क्या होता है। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से खून का बहना, नक्सीर का आना, एपिस्टैक्सिस कहलाता है। एपिस्टैक्सिस से जुड़ा एक क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है, वो ये है कि एपिस्टैक्सिस कंडीशन होने पर आप पेशेंट को कौन सी पोजिशन देंगे। एपिस्टैक्सिस कंडीशन प्रेजेंट होने पर पेशेंट की हम नोज को पिंच करेंगे, उसकी नाक को अपने हाथ से या उसके हाथ से बंद करवाएंगे और उसे आगे की तरफ बेंड कर देंगे, झुका देंगे। ये एग्जैक्ट होता है जो हमें एपिस्टैक्सिस के दौरान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टोटल एंटीनेटल विजिट्स कितनी होनी चाहिए। एंटीनेटल विजिट्स का मतलब है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कितनी बार उसका असेसमेंट होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो इसमें टोटल 4 विजिट्स जरूरी हैं। इन केस ऑफ होम डिलीवरी, यदि किसी लेडी में होम डिलीवरी हुई है तो होम डिलीवरी के केस में टोटल कितनी विजिट्स होनी चाहिए डिलीवरी के बाद।
होम डिलीवरी के बाद में आशा को एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को कुल 6 विजिट करनी चाहिए मदर के यहां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ओबीजी सब्जेक्ट इज, ओबीजी सब्जेक्ट में एब्रप्टियो प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रेविया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्रप्टियो प्लेसेंटा कंडीशन की। एब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांटेशन साइट से अचानक से डिटैच हो जाता है। ये मान लीजिए इम्प्लांटेशन साइट है और ये है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा यहां पर चिपका हुआ है, लेकिन किसी सर्कमस्टेंसेस किसी कारण की वजह से ये अचानक से क्या है कि अपनी जगह से हट जाता है, उखड़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एब्रप्टियो प्लेसेंटा। इट इज अ प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द इम्प्लांटेशन साइट इज नोन एज द एब्रप्टियो प्लेसेंटा। इस कंडीशन में जब आप देखिए इम्प्लांटेशन अचानक से उखड़ गया है, किसी चीज को अगर अचानक से कहीं से उखाड़ दिया जाता है तो क्या होता है, पेन होता है, तो इस कंडीशन में पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, मदर को पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है। इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग का होना जरूरी है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन आती है एब्रप्टियो प्लेसेंटा के बाद प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है वो गलत जगह पर होता है। मान लीजिए सर्विक्स की जो ओपनिंग है उस जगह पर जाकर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गया तो क्या होगा, प्रॉपर कवरेज एरिया नहीं मिलने के कारण वहां से धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहेगी, यहां पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, मदर को इस कंडीशन में पेन नहीं होगा, मदर के वेजाइना से जो ब्लड आएगा उस कंडीशन में मदर को पेन नहीं होगा। तो यदि यहां पर पूछा जाए कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग की कंडीशन में एब्रप्टियो प्लेसेंटा होगा या प्लेसेंटा प्रीविया होगा, तो आपको जवाब देना प्लेसेंटा प्रीविया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीएपी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायसिनोसिस, जिसे हम मंडे फीवर के नाम से जानते हैं, ये किसके कारण होता है। बायसिनोसिस या मंडे फीवर एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है जो कि कॉटन डस्ट इनहेलेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, टर्नर सिंड्रोम कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। टर्नर सिंड्रोम कंडीशन में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो होता है 45NX और 45X0। यहां पर जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो पार्शियली और कंप्लीटली मिस्ड होता है। यदि किसी पर्सन में एक क्रोमोसोम एक्स पार्शियली या कंप्लीटली एब्सेंट हो तो उस कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम नामक डिजीज डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। टिटनेस डिजीज जो होती है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा टिटनेस डिजीज होती है। जब भी हमें लोहे से कहते हैं चोट लग जाए तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इसी बैक्टीरिया से बचाव के लिए लगाया जाता है। इस कंडीशन में जो बॉडी का पेशेंट की जो बॉडी है वो धनुषाकार हो जाती है, लॉक जो कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारी कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो रही है, इस कारण अब आने वाले क्वेश्चंस को हम और रैपिड फायर मैनर में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनी डिजीज कंडीशन किसके कारण होती है। टिटेनी डिजीज कंडीशन कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 8.5 से 10.5 mg/dL। यदि किसी पर्सन में 8.5 से कम अगर कैल्शियम का लेवल हो तो उसके मसल्स में अकड़न आने लग जाएगी, ऐठन आने लग जाएगी, इसी कंडीशन को हम टिटेनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 इज, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, पहला है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किस कंडीशन में देखने को मिलता है? यदि किसी पर्सन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है तो उससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे? हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को आरएच इनकंपैटिबिलिटी है। आरएच इनकंपैटिबिलिटी कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो गोल्डन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के पहले सप्ताह में हमेशा हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक पेशेंट हैव डेफिशिएंसी ऑफ, ऐसे पेशेंट जो कि लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या फिर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन पर्सन के अंदर नॉर्मली विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP वर्ष 1953 में, इन द ईयर 1953 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस इज टेकन एट इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्ष के अंतराल से जनगणना की जाती है? सही जवाब है, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1881 में, इन द ईयर 1881 में। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो 1891 में, उसके बाद 1901 में, ऐसे करते करते हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स आर कवर्ड बाय, हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो कौन सी लेयर से कवर्ड रहते हैं? तो इसका सही जवाब है प्लूरा। फेफड़ों को कवर करने वाली जो लेयर है उसे हम प्लूरल लेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब फर्टिलाइज्ड ओवम किसी नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पर जाकर इम्प्लांट ना होकर किसी ऐसी जगह इम्प्लांट हो जाए जो कि एक्चुअल इम्प्लांटेशन साइट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मुख्य कारण है वह है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में PID डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है? हमारी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? सही जवाब है राइबोसोम्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, हमारे शरीर में रक्त स्तंदन या क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए कुल कितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सही जवाब है टोटल 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन ए की फर्स्ट डोज कितनी होती है, कब दी जाती है, वह इसका रूट क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज है वो 9 महीने का जब बेबी हो जाता है तब दी जाती है, इसका रूट होता है ओरल और 1,00,000 इसकी डोज होती है। उसके बाद 8 डोज और लगती है जो कि 18 महीने, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 इन मंथ्स पर लगाई जाती है और इनकी जो अमाउंट होता है वो होता है 2,00,000। सबसे पहली जो डोज थी वो 1,00,000 की थी और जो उसके बाद की सभी डोज में जो अमाउंट होता है वो 2,00,000 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सेल प्रोड्यूसेस इन विच एरिया ऑफ द बॉडी, हमारी जो टी सेल्स हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं और इनका जो मैच्यूरेशन होता है वो थाइमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कमिटी का नाम बताइए जो कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स से संबंधित है, इसका सही जवाब है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 147, नॉर्मल सोडियम लेवल इन आवर बॉडी, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी इज 135 to 145 mEq/L, mEq/L मींस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज ड्यूरिंग,
एड्स डिजीज का पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज्यादा कब रहता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डिजीज एचआईवी वायरस के कारण होता है, एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड सेल काउंट्स। हमारे ब्लड में जो तीन इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती हैं, वो उनकी जो नॉर्मल काउंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसकी नॉर्मल काउंट होती है 1.5 से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो इससे हमें हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसकी संख्या होती है 4.5 से 6.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। 4.5 टू 6 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। लास्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। इसका नॉर्मल काउंट होता है 4000 से 11000, 4000 टू 11000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। यदि हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी रिपोर्ट में यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और याद रखिएगा 7 अप्रैल को ही WHO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, मिड डे मील प्रोग्राम किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? मिड डे मील प्रोग्राम वर्ष 1962 में, इन द ईयर 1962 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, शाकिर टेप इज यूज्ड टू मेजर। शाकिर टेप का इस्तेमाल किस चीज का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है? शाकिर टेप का इस्तेमाल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मापने के लिए किया जाता है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से हम बेबी के न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली आर्टरी दैट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे शरीर की वह एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, कैरी करती है, क्या कहलाती है? हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने वाली एकमात्र आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, हमारी बॉडी की एकमात्र वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा डिजीज के अंदर किस प्रकार का साउंड सुनाई दिया देता है? किस प्रकार का ब्रीथिंग साउंड सुनाई देता है? तो इसका जवाब होगा वीजिंग साउंड, विसल लाइक साउंड, सीटी जैसी आवाज का सुनाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन 156, फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी ऑफ गर्ल्स। प्यूबर्टी के दौरान गर्ल चाइल्ड में फर्स्ट इवेंट कौन सा होता है? सही जवाब है थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 5000 ml होता है। कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हर्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml और हर्ट रेट नॉर्मली 72 पर मिनट मानी जाती है। नेक्स्ट है टोटल स्पाइनल नर्व्स। हमारे शरीर में टोटल स्पाइनल नर्व्स कितनी पाई जाती हैं? आंसर है 31 जोड़ी, यानी 62 स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल क्रेनियल नर्व्स कितनी पाई जाती हैं? 12 पेयर्स, 12 जोड़ी या फिर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल कहां पर स्टोर्ड रहता है? सही जवाब है बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, और बाइल का प्रोडक्शन लीवर में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेस। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने वर्टिब्रास पाए जाते हैं? राइट आंसर है 33। वॉइस बॉक्स के नाम से किस बॉडी ऑर्गन को जाना जाता है? सही जवाब है लैरिंग्स को। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी गिवन अप टू हाउ मेनी मंथ्स? न्यूबॉर्न बेबी को एक्सक्लूसिव यानी केवल ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक देनी चाहिए? सही जवाब है अप टू 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद उसे सप्लीमेंटल फीडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड पाइप के नाम से बॉडी के किस ऑर्गन को जाना जाता है? विंड पाइप के नाम से हम ट्रेकिया को जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में टोटल कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है 3 जोड़ी, 3 pairs। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? साइटोलॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। साइटो का मतलब है सेल और लॉजी मींस होता है स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, विटामिन के एज अ न्यूट्रिएंट न्यूबॉर्न बेबी में एडमिनिस्टर किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर यह है कि न्यूबॉर्न बेबी की जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, वहां पर बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते और बेबी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण उसे ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम विटामिन के को एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि हमारे टोटल जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 13, उनमें से 4 क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के से ही निर्मित होते हैं। अब हम बात करें विटामिन के को इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है वेस्टस लैटरलिस नामक मसल्स में इसको इंजेक्ट किया जाता है और इसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज डन बाय विच हार्मोन? ब्रेस्ट मिल्क का निर्माण और सिक्रीशन किस हार्मोन के कारण होता है? सही जवाब है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, मिल्क इजेक्शन किस हार्मोन के कारण होता है? ब्रेस्ट से बेबी के माउथ में जब मिल्क निकलता है, ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन होता है, बाहर निकलता है, तो वो क्रिया किस हार्मोन के कारण होती है? यहां पर आंसर आएगा ऑक्सीटॉक्सिन के कारण। यहां पर है सिंथेसिस और सिक्रेशन, ये होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, और मिल्क का इजेक्शन होगा ब्रेस्ट से, वो होगा ऑक्सीटॉक्सिन के कारण। जब बेबी मदर के ब्रेस्ट को सक करता है तो सकिंग के कारण यहां से सिग्नल्स इंपल्सेस ब्रेन तक जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का रिलीज होता है और इसके कारण बेबी तक मिल्क पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? सही जवाब है इन द ईयर 1972, 1972 में इसे लागू किया गया था। हमारी सेल का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? राइट आंसर है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स व्हेन WHO डिक्लेयर्ड दिस? विश्व को स्मॉल पॉक्स डिजीज से मुक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष घोषित किया था? सही जवाब है 8 मई 1980 को, 8 मई 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान टोटल कितने आयरन की रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन को? सही आंसर है अप्रोक्सीमेटली 1000 mg, 1000 mg की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर यू कहें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सही जवाब है सेल को, कोशिका को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता था कि शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है।
हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के नाम से सेल को यानी कोशिका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स इन सेल, हमारी एक कोशिका के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? सिंपली हम कहें तो एक कोशिका के अंदर 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी नोन एज, एक व्यक्ति है जिसे कुछ ऐसे परसेप्शन मिले जो कि रियलिटी में मौजूद ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बैठा है, उसने अनुभव किया कि किसी ने उसे कान में कुछ कहा लेकिन वास्तव में उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था, या फिर उसने फील किया कि उसकी बॉडी पे किसी ने टच किया लेकिन रियलिटी में उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं था या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। यहां पर क्या हो रहा है, पर्सन ने फॉल्स सेंसरी परसेप्शन को परसीव किया, उसने कुछ महसूस किया जो कि रियलिटी में नहीं था। इस घटना को हम बोलेंगे हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन एक ऐसी घटना है जिसके अंदर रियलिटी में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद नहीं होता है लेकिन पर्सन उसको परसीव करता है। इसके साथ ही दो टर्म्स और होती हैं। पहली टर्म है इल्यूशन। इल्यूशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति किसी परसेप्शन को गलत तरीके से परसीव करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे कमरे में, फर्श पर कोई रस्सी पड़ी हुई है तो उसे अचानक से वो सांप समझ लेता है, तो ये घटना इल्यूशन कहलाती है। इसके अलावा एक चीज और होती है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डेल्यूशन। डेल्यूशन का मतलब होता है फॉल्स परमानेंट बिलीफ। इसके अंदर व्यक्ति किसी ऐसी चीज पर विश्वास कर लेता है जो कि गलत होती है, हम कितना भी समझाकर उसके इस विश्वास को बदल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स एंड सीजर्स आर कॉज्ड बाय, राइट आंसर इज वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स और सीजेला नाम की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, हमारी बॉडी में पाए जाने वाली 6 टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स में से लार्जेस्ट टाइप की सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? राइट आंसर इज पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 178, स्क्रैबी डिजीज का कारण क्या है? स्क्रैबी डिजीज विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला डिजीज है। विटामिन सी ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला इसका बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से जिन लोगों को डर लगता है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम्स ईच किडनी। नेक्स्ट है, फर्स्ट केस ऑफ एड्स इन इंडिया, भारत में एड्स का पहला रोगी किस वर्ष पाया गया था? राइट आंसर इज इन द ईयर 1986, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ब्रेन की फंक्शनल यूनिट के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? यस राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन ए ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1982 के अंदर। इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट ये कब आया था? 1987 में। हमारे शरीर में कॉलर बोन के नाम से किस बोन को जाना जाता है? कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है क्लेविकल बोन को, इसे आप ड्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। कॉलर बोन होती है ये वाली बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी कैप के नाम से किस बोन को जानते हैं? नी कैप के नाम से हम जानते हैं पटेला बोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉलेरा डिजीज किसके कारण फैलता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा बताना है आपको। राइट आंसर है विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा द्वारा फैलता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर फंडल हाइट कहां पर होती है?
राइट आंसर है एट द लेवल ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस। सिंफाइसिस प्यूबिस के लेवल पर फंडल हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन किसके बने होते हैं। सही जवाब है इम्यूनोग्लोबुलिन वास्तव में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ट के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। हार्ट के द्वारा एएनपी नामक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है जिसका पूरा नाम होता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। एएनपी एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई यानी जापानीज एंसेफेलाइटिस ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट किसकी जांच के लिए उपयोगी है। किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम सिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। सही जवाब है डिप्थीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उस डिसइंफेक्टेंट का नाम बताइए जो कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के बेड लिनन्स को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। राइट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 195 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इन अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंसन डिजीज किस डिजीज का दूसरा नाम है। सही जवाब है लेप्रोसी का। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होने वाले लेप्रोसी कुष्ठ रोगों को हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इंसिडेंस शब्द का मतलब क्या होता है। इंसिडेंस सब्जेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सही जवाब है न्यू केसेस ऑफ डिजीजेस। किसी भी डिजीज के नए केसेस को हम इंसिडेंस के नाम से जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर एक सीएचसी कितने पीएचसी के ऊपर होता है या एक सीएचसी के अंडर में कितने पीएचसी आते हैं। सही जवाब है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चार प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कवर करता है जबकि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में 6 सब सेंटर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ईएसआई एक्ट कब आया था। ईएसआई एक्ट आया था इन द ईयर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। वी हैव कंप्लीटेड 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टोटल एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म प्रेगनेंसी पर टोटल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। लगभग 600 से 800 ml, 600 से 800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इट इज 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन एपिसियोटॉमी टाइप सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली एपिसियोटॉमी का प्रकार कौन सा है। राइट आंसर मीडियोलेटरल टाइप। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अमोइबियासिस ये डिजीज किसके कारण फैलता है। अमोइबियासिस डिजीज एंटामोइबा स्टॉलिटिका के कारण होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन है इंफीरियर वेना कावा आईवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट बोन के नाम से आप किस बोन को जानते हैं। ब्रेस्ट बोन के नाम से हम स्टर्नम बोन को जानते हैं। ये हमारे यहां इस हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसेट आइस साइन किस डिजीज से संबंधित है। सनसेट साइन हाइड्रोसिफेलस डिजीज से संबंधित है। ये डिजीज मोस्टली बच्चों में पाया जाता है और इस डिजीज में बच्चों के सर का आकार काफी बड़ा हो जाता है इसके कारण उनकी आंखें कुछ क्लोज नजर आती हैं। इसको हम सनसेट साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्नो स्ट्रॉम पैटर्न ऑफ यूएसजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करती है। स्नो स्ट्रॉम पैटर्न ऑफ यूएसजी अगर किसी पर्सन की यूएसजी में अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में स्नो स्ट्रॉम यानी बर्फ के चक्रवात जैसी तस्वीर बनती है तो उसे हम हाइड्रेटिफॉर्म मोल कंडीशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 209, आरबीसी की शेप कैसी होती है? रेड ब्लड कॉर्पसल की शेप जो होती है वो होती है बाइकॉनकेव, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 7 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर, शेप ऑफ आई लेंस, हमारे जो आंखों का लेंस है, आई लेंस का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, क्यू फीवर किसके द्वारा फैलता है? राइट आंसर, कॉक्सेला ब्रुनेटी के द्वारा क्यू फीवर फैलता है। नेक्स्ट है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इन द ईयर 1963, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर 1963। नेक्स्ट है, बीसीजी बेसिलस कालमेटिक बुवेरिन, इस वैक्सीन को इंट्राडर्मली लगाया जाता है और यह लेफ्ट डेल्टॉइड मसल में लगाया जाता है। लेफ्ट हैंड का जो डेल्टॉइड मसल होता है यहां पर बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है, और इस वैक्सीन के लगने के बाद जैसे आप बड़े होते जाएंगे एक चकता स्टार फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी जो डोज होती है, अगर बीसीजी वैक्सीन 4 हफ्ते से छोटे बच्चे को लगाया जाता है तो इसकी डोज होती है 0.05 ml, और यदि ये 4 वीक से बड़े बच्चे को लगता है तो उसकी डोज होती है 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? तो राइट आंसर है कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स कवर करती हैं, जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं? हम बात करते हैं आउटर से इनर की तरफ, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, सबसे अंदर पाइया मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, ब्लैक डेथ के नाम से आप किसे जानते हैं? ब्लैक डेथ के नाम से हम प्लेग को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष आया था? नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था, इन द ईयर 1962, और इसका एम क्या था, क्यों बनाया गया था इस प्रोग्राम को? इसका काम था सबसे पहले टू डिटेक्ट केसेस अर्लियर एंड ट्रीट देम, टीबी के केसेस का जल्दी से जल्दी पता लगाना और उसे तुरंत ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, जेनाइटल हर्पिस किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है, जेनाइटल हर्पिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, जिसे हम शॉर्ट में HSV के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VVM का फुल फॉर्म क्या होता है? VVM का फुल फॉर्म है वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। पोलियो का जो वैक्सीन होता है उसकी जो बॉटल होती है, वाइल होती है, उसके ऊपर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लेडी विद एंड्रॉइड पेल्विस कैन हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, ऐसी महिलाएं जिनमें एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है, क्या उन्हें नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है? नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है वो मेल्स का पेल्विस होता है। जिन महिलाओं में एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है, एंड्रॉइड पेल्विस टाइप पाया जाता है, उनके लिए सिजेरियन मोड से डिलीवरी कराना ही एकमात्र रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का रूट और डोज कितनी होती है? डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस के लिए लगाया जाता है, इसको इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है, इसकी डोज होती है 0.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? राइट आंसर है यार्सिनिया पेस्टिस इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
स्फिग्मोमोनोमीटर ये इक्विपमेंट किस काम आता है? स्फिग्मोमोनोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है और ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के काम आता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, इसमें सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक बीपी जिसे नीचे वाला बीपी कहते हैं वो 80 mmHg माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटोस्कोप। फीटोस्कोप क्या काम आता है? फीटोस्कोप इज यूज्ड फॉर लिसनिंग द फीटल हार्ट साउंड। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके हार्ट साउंड को सुनने के लिए फीटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेजाइनल स्पेक्युलम। वेजाइनल स्पेक्युलम क्या है और ये क्यों काम आता है? वेजाइनल स्पेक्युलम एक इक्विपमेंट है। इट इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इन फीमेल। फीमेल्स के जेनाइटल ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटल साइंस से लिए टॉपिक को रिवाइज करने के पर्पस से। यहां पर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। ये जो तीनों साइड दी गई है टेम्परेचर की, चाहे ओरल हो, एक्सिलरी हो या रेक्टल हो, ये तीनों टेम्परेचर साइड से जब आप बॉडी का टेम्परेचर लेंगे तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी अलग मिलेगी। जनरली हम जो देखते हैं ज्यादातर हम ये टेम्परेचर बताते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर है ओरल रूट से लिया गया। इसके अलावा हम बात करें तो एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर जो होता है हमारे उसमें 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए तो अगर रेक्टल से लेते हैं तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसे अगर सेंटीग्रेड फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। इसमें आप एक चीज और गौर करिएगा, जो ओरल टेम्परेचर है उससे एक्सिलरी टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री कम है और जो रेक्टल टेम्परेचर है वो ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी में पल्स रेट कितनी होती है? एक न्यू बॉर्न बेबी की पल्स रेट होती है 140 से 160 बीट्स पर मिनट। अब हम बात करेंगे उस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का नाम बताइए जो कि यूनिवर्सल डोनर हो। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है ऐसे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो दुनिया में किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। ऐसा ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। उसके बाद में यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। ऐसा ब्लड ग्रुप होता है एबी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड एब्रिवेशंस को। जहां भी प्रिस्क्रिप्शन में आप ओडी वर्ड देखें इसका मतलब होता है वंस अ डे, ऐसी मेडिसिन जो दिन में एक बार लेनी है। एसी का मतलब होता है बिफोर मील, खाना खाने से पहले ली जाने वाली दवाइयां। पीसी वर्ड का मतलब है आफ्टर मील, खाने के बाद लेने वाली टेबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 233 इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस ये दोनों चीजें किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आती हैं? स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस दोनों सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आती हैं। चार लेवल के प्रिवेंशन होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। क्या मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है? यस राइट, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी? फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 1 अप्रैल इन द ईयर 1976, 1 अप्रैल 1976 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एब्रिवेशंस की, जिसमें आता है SOS। प्रिस्क्रिप्शन में SOS का मतलब होता है इफ नेसेसरी इन एमरजेंसी। नेक्स्ट है HS। प्रिस्क्रिप्शन में HS का मतलब है वो मेडिसिन जो कि एट द टाइम ऑफ बेड यानी सोने के समय दी जाने वाली मेडिसिन। स्टेट ऑर्डर जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे जिसका मतलब होता है इसे आपको तुरंत देना है, इमीडिएटली। इसके अलावा OS वर्ड जो है वो लेफ्ट आई को डिनोट करता है, OU जो वर्ड है वो बोथ आईज के लिए यूज होता है, और OD का मतलब होता है राइट आई।
प्रिस्क्रिप्शन में आप जनरली इन सब टर्म्स को देखेंगे कि अगर मान लीजिए पर्सन की किसी एक आंख में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन डालनी है तो उसमें आप देख सकते हैं OS या OD वर्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा AD वर्ड जो होता है राइट ईयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और AS वर्ड जो है लेफ्ट ईयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में इस एग्जाम से आप इस तरह की एब्रिविएशन को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट, एथलीट फुट जो डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट डिजीज फंगस के द्वारा होने वाला डिजीज है। इसके लिए ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्माफाइटोन नामक दो फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। आंगनवाड़ी वर्कर ANW इंट्रोड्यूस्ड अंडर ANW को ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर रखा गया था। ICDS की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल डिजीज को किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? मीजल डिजीज के वैक्सीन को हम 0.5 ml डोज के साथ सबक्यूटेनियस रूट द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्स किसके द्वारा होने वाला डिजीज है? मम्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है आपको। मम्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जेरोप्थैल्मिया का कारण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं जेरोप्थैल्मिया आखिर है क्या। जेरोप्थैल्मिया एक आई डिजीज है। इसमें आंखों की जो कंजक्टिवा वाला पार्ट है विटामिन ए की कमी के कारण वहां पर ड्राइनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेशन ऑफ ट्रू लेबर। ट्रू लेबर का मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेशन किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन। यदि प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट है तो इसे हम ट्रू लेबर मान सकते हैं। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल करते हैं। BCG वैक्सीन को आप डिस्टिल वाटर के थ्रू डाइल्यूट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टिल वाटर के साथ BCG वैक्सीन इरिटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या इसे हम शॉर्ट में एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर इज मीजर्ड बाय। सेंट्रल वीनस प्रेशर मीजर करने के लिए हम टारगेट करते हैं सुपीरियर वेना कावा को SVC को। नेक्स्ट क्वेश्चन 251 क्वेश्चन। वी हैव कंप्लीटेड 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स के नाम बताइए। एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी के किडनीज के ऊपर पाई जाती है, इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये संख्या में दो होती हैं। बॉडी के लिए इस ग्लैंड का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस ग्लैंड को हटा दिया जाए तो कुछ ही दिनों में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं कॉर्टेक्स पार्ट एंड मेड्यूला पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट से 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। और जबकि मेड्यूला पार्ट से एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामाइन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा CHO एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस का कलेक्शन। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। इसी तरह के वीडियोस रेगुलर देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।